देखिए पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि हर मुद्दे पर खास करके विवादित बयानों के लिए वो जो है जाने पहचाने जाने लगे हैं इस वक्त राजनीति में, और दरअसल उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर के एक बयान दिया है और इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है ये दरअसल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को एकत्रित करने का गठबंधन है। भ्रष्टाचारी पूरी तरीके से एक हो गए हैं और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही ये भी कहा कि जनता परिवर्तन के मूड में नजर नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सत्ता का हिस्सा बनती नजर आएगी। आइए सुनाते हैं आपको हेमंत शर्मा के इस बयान। मैं तो एक सरकारी कार्यक्रम में ही आया हूँ और हमारा कार्यकर्ता को मिलकर बहुत खुशी हुआ, जूस बहुत है, अच्छा लगा। देखिए पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन का खिलाफ काम करना। तो ये पूरा अलायंस का जो मकसद है, ये मकसद ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर देना। तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा, और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। तो आपने सुना दर्शकों, वो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीते कई हफ्तों से बयान दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसका असर भी काफ़ी लोगों पर होता है। अब देखते हैं कि खेल कैसे बनता है और बिगड़ता है 2024 से पहले। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ।